डिसूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस फेमिनिटी मेस्कुलानिटीज एंड जेंडर रिलेशनशिप्स फेमिनिटी एंड मेस्कुलानिटी रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्ट रोल्स बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटीज एसोसिएटेड विद बींग फीमेल और मेल जब हम फेमिनिटी और मेस्कुलानिटी की बात करते हैं तो हमारे जितने भी बिहेवियर्स होते हैं जितने भी रवैये होते हैं ये चूँकि सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं माशरे की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होते हैं तो जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ख़ास तौर पे मेल और फ़ीमेल की सेक्स से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती हैं मसला हम फीमेल से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक ख़ास तरह का लिबास पहने एक ख़ास अंदाज़ में अपने रवैये को बरकरार रखें और उसके बिहेवियरल रिफ्लेक्शंस के अंदर जो है मैस्कुलिनिटी की झलक नज़र नहीं आनी चाहिए इसी तरह से हम जो मेल है उससे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके लिबास से भी उसकी रिफ्लेक्शन हो उसके गुफ्तु के अंदाज़ से भी रिफ्लेक्शन हो और कहीं पे भी हमें उसके अंदर जो है वो फेमनिटी की झलक नज़र ना आए तो मैनहुड और वमेनहुड जो हैं ये दोनों डिटिंकटिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली है वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं इन पाकिस्तान ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स ऑफ्टन एम्फोसाइज द फेम्यूनिटी एंड मेस्कुलानिटी एज डिस्टिंक्ट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज विद लिटल रूम फॉर डेवियशन और फ्लैक्सिबिलिटी हाउ एवर द वेज इन विच फेम्यूनिटी एंड मैस्कुलानिटी आर कंस्ट्रक्टेड एंड निगोशिएटेड वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स अब इसमें जो वेरिएशंस होती हैं वो कल्चरल या रीजनल वेरिएशंस भी हो सकती हैं एक फ़ीमेल जो पंजाब से है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द फीमेल हु इज़ फ्राम के पी उसके लिबास से जो है वो आपको डिफरेंट रिफ्लेक्शन नज़र आएगी उसके गुफ्तु के अंदाज़ से उसके लैंग्वेज से जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दैट फीमेल बिलोंग टू अ अर्टन जोग्राफिक एरिया लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि क्या ऐसा मुमकिन है के किसी एक ख़ास जोग्राफिक एरिया के अंदर फैम्यूनिटी और मैस्कुलिनिटी जो है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हैं और वही रोल जो फैम किसी फीमेल से एक्सपेक्ट किए जाते हैं वही मेल से एक्सपेक्ट किए जाते हैं तो ऐसा नज़र आना शायद महाल है ख़ास तो पर पाकिस्तानी माशरे में लेकिन अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी की बात करेंगे तो वहाँ पर शायद इसको अब डिफरेंटली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये डिस्टिंक्शन जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है के फमिटी और मैस्कानिटी जो हैं वो इस हद तक ब्लेंड हो जाएं ताकि हम एक यूनिक जेंडर का एक्सपीरियंस हासिल कर सकें वही एक्सपीरियंस जो एक फ़ीमेल के हैं वो एक्सपीरियंसिस मेल के भी हो सकते हैं और वाइस वर्सा भी हो सकता है तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के मुताबिक चूँकि वो लिबरल आइडियोलॉजी है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो फ्लैक्सीबल या पॉसिबल नज़र आती हैं हाउ पाकिस्तान क्योंकि आइडियोलॉजिकली एक मुस्लिम सोसाइटी है यहाँ पे क्लियरली डिस्टिंक्टिव जेंडर जेंडर की क्लियर डिस्टिंगशन आपको मिलती हैं बेस्ड ऑन टू डिफरेंट सेक्सेज होती हैं इनके डिस्टिंक्टिव रोल्स जो हैं ना सिर्फ़ आपके कल्चर के अंदर वेल well डिफाइंड होते हैं बल्कि आपकी रिलीजस आइडियोलॉजी में भी वेल डिफाइंड रोल्स हैं तो आपका माशरा जो है वो फैमिननीटी और मैस्कुलिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है उसके अंदर क्या रीजनल वेरिएशंस होती हैं इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू